गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाँ जी जी लास्ट क्लास में वी वर डूइंग पॉलिनोमियल्स, राइट। और पॉलिनोमियल में हमने दो तीन बातें जो जरूरी हैं वो हमने डिस्कस करी थी। फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो फॉर पॉलिनोमियल? If for any value of the variable, the value of polynomial is becoming zero, if p of a is zero, a is zero of p of x, and x minus a is factor of p of x. ये एक बात। दूसरी बात हमने कही थी, the number of points of intersection of graph of a polynomial with x-axis gives zeros of polynomial. ये दूसरी बात हमने कही। तीसरी बात हमने क्या कही? अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा इसकी जीरोस रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज सी बाय ए। ये तीसरी बात। चौथी बात हमने क्या कही थी? इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल then the polynomial is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. ठीक है। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी रूट्स नहीं भी दे रखी हैं, आपको कैलकुलेट भी करनी हो तो आप कर सकते हो। आपको मालूम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकाल सकते हो। तो ये चार चीजें ही हैं बेसिकली। आज थोड़ा सा हम क्यूबिक के बारे में भी करेंगे, पहले इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, देन वी गो फॉर द क्यूबिक। तो अभी हमने ये चार बातें पिछली क्लास में डिस्कस की थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे केस स्टडी बेस्ड एंड असर्शन रीजन। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें से किसी को कोई दिक्कत, किसी ने जाके घर पे कुछ करके देखा हो, कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ। कुछ देखा था जाकर के घर पे जो क्वेश्चंस किए थे? ओके, तो हमने केस स्टडीज दोनों डिस्कस कर ली थी। असर्शन रीजन हो गए थे, फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यू भी हो गया था, राइट। चलिए, तो अब हमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एमसीक्यू करना है। तो हम पहले कर रहे हैं फिफ्थ। फिफ्थ एमसीक्यू देखो जरा। Read out fifth MCQ and tell me what you can do in this. Second MCQ करवाना है आपने? Second करवाना है अभी? Okay. ठीक है जी, तो फिर second कर लो। Second, fourth, fifth एक ही चीज पर है, third थोड़ा सा different है, तो पहले second, fourth, fifth करके फिर third पे जाएंगे। चलिए जी, सेकेंड एमसीक्यू देख लेते हैं। सेकेंड एमसीक्यू में क्या कहा गया? अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 8x into 1 plus x plus 11x minus 15. Alpha beta इस polynomial की zeros हैं। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी a section join नहीं हुआ। Anybody from anywhere, किसी भी section से कोई sir, ma'am या student जाके देख सकते हैं, a section join नहीं हुआ, कुछ issue है उनका? बाकी हो गए हैं ए सेक्शन, प्लीज एक बार आप चेक कर लीजिए क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये पॉलिनोमियल है आपका, इसकी रूट्स अल्फा बीटा हैं और आपसे पूछा गया है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किए थे, ठीक है जी। तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले इसको जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। खोलो ब्रैकेट, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओ, वहां से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालो और जो फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे उनको यूज करके जरा कोशिश करो ये लाने की। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम,
मैम 10th का भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक। चलिए जी, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, सो यू शुड बी एबल टू डू इट नाउ। पहला स्टेप क्या है, ये ब्रैकेट खोल लेंगे, 8x + 8x² + 11x - 15, री राइट इट एज 8x² + 19x - 15। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठाओ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू उठाओ एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दिस इज गोइंग टू बी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू डू इट, बी क्विक टू डू, रेज योर हैंड्स जिसका हो जाए। चलिए शाबाश, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली, सारे बोलेंगे जल्दी से। -b/a, सो -19/8 एंड अल्फा इनटू बीटा इज -15/8। और यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है मुझे, एलसीएम। वेरी गुड, एलसीएम लिया तो बना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दिस विल बी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर की तो चिंता मुझे है नहीं, मेरे पास अल्फा इंटू बीटा पड़ा है, इसका स्क्वायर करके डिनोमिनेटर की वैल्यू तो मिल जाएगी। अब न्यूमिनेटर के लिए क्या किया था हमने, एनीबडी हु कैन टेल मी, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, क्या स्टेप किया था हमने, कैसे निकाला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आइडेंटिटी आइडेंटिटी। यहां पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, यहां से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दो तरीके हैं, यहां से कर लो या मैं इसको सीधा कर दूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जैसे आपको, अगर इफ यू कैन रिमेम्बर इट, टाइम बच जाता है, दोनों में वैसे ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लगेगा। दो तरीके हैं, इसको स्क्वायरिंग कर लो, जब स्क्वायरिंग करोगे तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें आएगी, वो डाल करके आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल पाओगे, या आप ये आइडेंटिटी ही याद कर लो, क्योंकि जब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव -2 अल्फा बीटा, कैंसिल आउट होके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही दे देगा। इज इट ओके, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। चलिए, तो आपका चॉइस है, आप यहां से शुरुआत कर सकते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बात एक ही है, जैसे मर्जी घुमा लो। अगर यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपके पास आया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -19/8 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 19 का स्क्वायर, 361/64। अब ये अल्फा बीटा की जो वैल्यू पड़ी उसको यहाँ डाल के इधर ले जाकर के सब्ट्रैक्ट करोगे, यही सेम चीज यहां पर आप डायरेक्टली कर सकते थे। यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -19/8, सो 361/64, और यहां से बन जाएगा -15/8, तो +30/8। मेरी बात समझ में आई है मैंने क्या कहा। सो वट एवर वे यू थिंक इज ओके विद यू, यू कैन गो बाय दैट, चॉइस आपका। इसमें थोड़ा सा कंपेरेटिवली टाइम कम लगेगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप एक बार आइडेंटिटी को खोल रहे हैं, फिर वैल्यूज डाल रहे हैं, यहां पर आप सीधे से वैल्यू डाल रहे हैं, पर जो समझ में आए वो काम करना। देख लो दोनों मेथड में से किसी को कोई डाउट, एनीबडी हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग कैन आस्क। एलसीएम लेंगे 64, 361 + 240, 6 4 10, 601/64, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट आई एम गेटिंग।
अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 601/64, और नीचे करना है इस टर्म का स्क्वायर। इस टर्म का स्क्वायर करने का मतलब 15/8 नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 225/64। 64 64 कैंसल आउट हो गया, तो 601/225। एनी पॉइंट दैट इज नॉट क्लियर टू एनी वन ऑफ यू? आप जरा आंसर्स देखो, आपके पास आंसर्स डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं है। ऑप्शंस कैसे दी हैं? देन द वैल्यू ऑफ 1/(α²+β²) लाइज बिटवीन -1 एंड 0, 0 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3। तो अब आपको इस एक्सप्रेशन को देख करके क्या समझ में आ रहा है कि मेरी वैल्यू, मेरा जो आंसर आने वाला है, वो इनमें से किसके बीच में? पहला ऑप्शन तो छोड़ ही दो क्योंकि नेगेटिव में चला गया, आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद 0 एंड 1 ये भी छोड़ दें, क्योंकि आंसर अगर 0 और 1 के बीच में बनता तो मेरे पास न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए था एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। यहाँ तो न्यूमिनेटर बड़ा, मतलब 1 से तो बड़ी वैल्यू आनी आनी है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? इसका मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बात है तीसरे और चौथे की, उसके लिए मुझे पूरी कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है। मुझे यह से समझ में आ रहा है 225 टूजा अगर मैं करूंगी तो 550 बन रहा है, मतलब ये 2 से कुछ ऊपर जाने वाला। सो विच वन विल बी द आंसर? थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, डी पार्ट? समझ में आ गई? तो इसको पूरा कैलकुलेट करके हमें टाइम नहीं खराब करना, हमें जस्ट सिर्फ एस्टिमेशन कर लेनी है। पहला और दूसरा ऑप्शन हमने देख करके ही रूल आउट कर दिया, तीसरे और चौथे के लिए सिर्फ फर्स्ट डिजिट अगर हम देख लें तो मुझे ये समझ में आ रहा है ये 2 पॉइंट समथिंग होने वाला है। इसका मतलब मेरा आंसर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज डी। इज इट ओके? चलिए फिर फोर्थ क्वेश्चन, बहुत आसान है, अब मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, जिसका निकल जाएगा हैंड रेस करोगे। फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर क्वाइट इजी। ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। शाबाश, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज 5x² - 3+k(x+7) इज 0। सम ऑफ जीरोस, यहां दिया सम ऑफ ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी जीरोस विल दिस पॉलिनोमियल हैव? कैसा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, कैसा? क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ये कांस्टेंट, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सो कितनी जीरोस होंगी इसकी? जीरो टू जीरोस, उनका सम 0 है। इसका मतलब इफ आई टेक अल्फा एंड बीटा एज द जीरोस, देन अल्फा प्लस बीटा इज 0। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? -b/a। बच्चों सिर्फ इसीलिए कह रही हो, फॉर्मूला पता होना जरूरी है, दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो समझ में आना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी तो फॉर्मूले का यूज करोगे।
क्वेश्चन में उसने हमें बोला सम ऑफ ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज जीरो, देन जीरोस ऑफ नेक्स्ट पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल की जीरो पूछी उसमें के पड़ा है अननोन, वो के निकालने के लिए पहली कंडीशन दे दी आपको। आपको कहा गया इसकी जीरोस का सम जीरो माइनस बी बाय ए का मतलब के प्लस थ्री जीरो, तो आपको यहां से के की वैल्यू मिल गई माइनस थ्री। अब ये के की वैल्यू सेकेंड पॉलिनोमियल में डाल दो। सेकेंड पॉलिनोमियल क्या दिया मुझे, 2x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स k प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 30। k को जब माइनस 3 डालेंगे तो ये बन गया 8। अच्छा पहले पार्ट से प्लस 30 सॉरी 30 लेंगे। यहां पर हमने के की वैल्यू पहले वाले से निकाली थी, पहले वाले में अल्फा प्लस बीटा जीरो दिया था, अल्फा प्लस बीटा बन रहा है के प्लस थ्री, सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ के एज थ्री फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। पुट दैट वैल्यू ऑफ के इनटू द सेकंड इक्वेशन हुज रूट्स यू वांट टू कैलकुलेट, जो निकालनी है आपको उसमें के की वैल्यू डाल दे। जब यहाँ के को माइनस तीन डालेंगे तो 11 माइनस तीन 8 हो गया, 8 और ये माइनस दो बाहर पड़ा तो माइनस 16 हो गया। अब पूरे में आपको टू कॉमन दिख रहा है तो उसे पहले बाहर कर देते हैं ताकि फैक्टराइजेशन करना मेरे लिए उतना ही आसान हो जाए। नाउ माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। इसकी जीरोस आपको बोली गई हैं। पॉलिनोमियल दिया है नॉट द पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो दिस इज द पॉलिनोमियल की इट्स जीरोस आई वांट। करना तो वही है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो दो फैक्टर्स आ जाएं उन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से आपको ये क्वाड्रेटिक मिल रही है, सो फैक्टर्स निकालेंगे और वहां से हम जीरोस निकाल देंगे। हाँ जी, जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आ रही है एक्स की, 3 and 5। 3 and 5। आई वांट द प्रोडक्ट एज 15, सम एज -8, तो -3 and -5 दीज आर द टू नंबर्स जिसमें मैं इसको स्प्लिट करूंगी। एक्स कॉमन एक्स माइनस थ्री, -5 कॉमन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव एंड एक्स माइनस थ्री फॉर जीरोज, वन ऑफ द टू फैक्टर्स मस्ट बिकम इक्वल टू जीरो, सो द टू जीरोज इज 3, 5। दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जीरोज। समझ में आया सभी को ये, कोई डाउट किसी भी स्टेप पर हुआ है तो बता दो। चलिए जी, अगर कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आप मुझे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5, वाला क्वेश्चन दोबारा समझना। ये वाला क्वेश्चन बेटा। यस ओके, सबसे पहले चीज मुझे यहाँ पर क्या दे रखी थी, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमें कहा गया सम ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल and that polynomial that was given to me was 5x square minus 3 plus k into x plus 7। ये एक polynomial मुझे दिया है और मुझे कहा जा रहा है इसकी zeros का sum zero है, और उस condition में इस polynomial की zeros बताओ। अब जब मैंने ये पॉलिनोमियल देखा तो इसमें एक अननोन पड़ा है, जब तक ये के पता नहीं चलेगा मुझे इसकी जीरोस न्यूमेरिकल आंसर्स में नहीं मिल सकती जैसे कि मुझे आंसर दिए हैं। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि इसकी जीरोस निकालने से पहले मुझे के चाहिए रहे। अब वो के इस पॉलिनोमियल में पड़ा है और मुझे इसकी कंडीशन भी दे रखी है। क्या दे रखा है कि इसकी जीरोस का सम जीरो है। अगर मैं इसकी जीरो अल्फा एंड बीटा ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, इसका मतलब माइनस ऑफ -3 + k/5। एक्स का कॉफिशियंट ये पूरा बी है, ये ए है, ये सी है इसमें, तो ये कैसा दिया है जीरो। ये माइनस माइनस प्लस के प्लस 3/5 इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ऑब्वियसली 5 तो जीरो, आपका फ्रैक्शन जीरो तो न्यूमरेटर जीरो, सो फ्रॉम देयर आई एम गेटिंग वैल्यू ऑफ के एज -3।
पहले इतना पार्ट बता दो, ये बात समझ में आई है सभी को? एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर टिल दिस पॉइंट, एनीवन? अभी भी अगर नहीं समझ में आई ये बात तो पूछ सकते हो। पहली कंडीशन दे रखी है के निकालने के लिए, वो के की वैल्यू जब आप सेकंड में डाल रहे हो तो वो पूरी तरह से डिफाइंड पॉलिनोमियल हो गया, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम उसके जीरोस निकाल रहे हैं। यहां से के की वैल्यू -3 उठा करके यहाँ डाली, 11 -3 8, 8 ब्रैकेट में पड़ा है, -2 12, तो -16x+30 फैक्टराइज करना था। मुझे दिख रहा है 2 सब में से कॉमन है, बाहर कर दिया, x2 -8x+15। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, प्रोडक्ट 15 चाहिए, सम -8 चाहिए, तो दो नंबर -3 और -5 ऐसे हैं जिनकी एडिशन से -8 मिल रहा है और मल्टीप्लीकेशन से 15 मिल रहा है। सो वी रीच आर द आंसर दैट माई जीरोज आर 3 एंड 5। एनी वन हु इज नॉट एबल टू गेट इट प्लीज टेल मी। जिसने पूछा था उसको क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes. ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन करो फिर। एक ही चीज को बार बार हम यूज कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तो याद रह जाते हैं लेकिन एप्लीकेशन में गड़बड़ है। अब यहां हमें दिया है अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x2 -6x+k एंड अलोंग विद इट इज गिवन दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20, और k की वैल्यू पूछी गई है। अब सबसे पहले आप सोचें कि मैं शुरुआत कहां से करूं, मुझसे ये k पूछा जा रहा है, ठीक है जी? अल्फा बीटा इसकी जीरोज हैं और अल्फा बीटा का एक रिलेशन यहां भी पड़ा है मेरे पास। अब मेरा थॉट प्रोसेस क्या चलना चाहिए, कहां से मुझे क्वेश्चन शुरू करना है? हाँ जी, 10th A से नवजोत, नवजोत फ्रॉम 10th A, माइक के पास आ जा बेटा। 10th A नवजोत, हाँ बेटा, क्या समझ में आता है मैं शुरुआत कहाँ से करूं क्वेश्चन की? अल्फा बीटा इसकी जीरोज हैं, के की वैल्यू चाहिए, अल्फा और बीटा का एक रिलेशन ये मुझे दिया है। हाउ शुड आई स्टार्ट द क्वेश्चन? कुछ नहीं पता क्या करें, यस या नो जो भी है एक बार बोल दो। डू यू नो हाउ टू डू इट? पता है तो हाँ बोल दो, नहीं पता तो ना बोल दो। मुझे आवाज नहीं आ रही 10th A से, नहीं मालूम बेटा। इतनी देर से पिछली क्लास में, इस क्लास में हम एक बात को पता नहीं कितनी बार और कितने तरीके से बोल चुके हैं। मुझे यहां पर सबसे पहले आप ये सोचो, ये के की वैल्यू निकालने के लिए अगर मेरे को अल्फा बीटा की बात की जा रही है और के चाहिए, मतलब के किससे, के को और अल्फा बीटा को कैसे रिलेट कर सकते हो? है कोई रिलेशन दिखता है के में और अल्फा बीटा में? जय जी, आप सीट पे जाइए। एनी वन हु कैन थिंक ऑफ एनी रिलेशन बिटवीन के अल्फा एंड बीटा? फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन गेट टू नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6। अल्फा प्लस बीटा 6, सम ऑफ रूट्स इज 6 एंड प्रोडक्ट इज, ए ए बस इतनी बात, पता नहीं कितनी बार एक ही चीज को हम बोल चुके। दिमाग कहाँ घर पे छोड़ के आते हो बच्चों, साथ रखने में कष्ट है दिमाग को, खर्च हो जाता है बेचारा, खर्च हो जाएगा तो लाएंगे कहाँ से, पहले ही कमी है हमारे पास।
बच्चों दिमाग एक ऐसी चीज है जो खर्चने से बढ़ता है, बाकी सब कुछ खर्च करते हो तो कम हो जाता है, लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज है जिसको जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा। तो दिमाग घर नहीं छोड़ के आया करो, साथ लेकर के आया करो, और उसको खर्चने की कोशिश भी किया करो। अब आप लोग 10th क्लास में हो गए हो, बोर्ड क्लास है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आने वाले। आप सोचो कि जो किताब में तुमने क्वेश्चन कर लिए वही पेपर में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। थोड़ा सा चीजों को समझने की, करने की कोशिश तो किया करो। पिछली क्लास में भी हम वो अल्फा बीटा ही गाते जा रहे हैं, अब भी जब से क्लास शुरू हुई है वो अल्फा बीटा की ही कहानियां गा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि मेरे पास जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे सबसे पहले ये दो रिलेशन लिखने हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि के की वैल्यू के लिए मुझे अल्फा और बीटा चाहिए। अगर अल्फा बीटा मिल जाए तो यहां पे डाल करके अल्फा इंटू बीटा करके मैं के की वैल्यू निकाल दूंगी। पहले क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस, स्टेप्स दिमाग में लाया करो, क्या पूछा जा रहा है उसके लिए मुझे मालूम क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, उसको पहले लिख लो। कि ये एक आपका फ्रेमवर्क रेडी होता है, एक फ्लो चार्ट बनता है कि हाँ ये स्टेप ऐसे 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 सोचना है मुझे। रट्टा मार के क्वेश्चंस करोगे कभी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट ही होगा। एंड ये बात मेरी ध्यान से दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारे को क्वेश्चंस जो हैं पेपर के अंदर किए हुए नहीं आने वाले हैं, ना स्कूल एग्जाम में आएंगे और ना ही बोर्ड एग्जाम में, तो आने ही नहीं है, छोड़ ही दो उसको। तो अगर तुम सोचो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का हम रट्टा मार लेंगे और हम पास हो जाएंगे, तो पास तो शायद हो जाओगे लेकिन कोई अच्छे नंबर नहीं लेके पास हो सकते। उसके लिए दिमाग को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा, और अगर इस स्टेज पर आकर के भी दिमाग को कष्ट नहीं दोगे तो फिर जब अगली क्लासेस में जाओगे जहां पर सिलेबस इतना वास्ट हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रही कि आपने साइंस ही पढ़ना है कि आपने मैथ्स ही पढ़नी है, आपने आर्ट्स भी पढ़ना है, तो दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। तुमने कुछ भी नहीं पढ़ना 10वीं के बाद, तुमने एक नॉर्मल लाइफ ही अगर अपनी स्पेंड करनी है तो दिमाग तो लगाओगे सिचुएशन को समझने की, और उसको कैसे हैंडल करना है वो प्रोसेसिंग तो दिमाग में करनी पड़ेगी। आप वो भी करना नहीं चाहते हो। इट इज जस्ट लाइक अ सिचुएशन, आपका रियल लाइफ सिचुएशन है। कुछ भी सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाती है तो कैसे सोचते हो उसके बारे में, कैसे काम करते हो कि क्या मुझे, मेरा टारगेट क्या है, उस टारगेट को करने के लिए मुझे पहले ये करना पड़ेगा, ऐसे ही सोचना होता है ना। ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहले देखो पूछा क्या है उसने, उसने आपसे के की वैल्यू पूछी है यहाँ पर, ठीक है जी। जब उसने मेरे से के की वैल्यू पूछ ली तो के की वैल्यू इस, ये हमें समझ में आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के सी की जगह पड़ा है, और वो अल्फा बीटा की बातें करिए जा रहा है, अल्फा बीटा यहाँ पे कह रहा है, रूट्स भी हैं, अल्फा बीटा के रिलेशन भी दिए जा रहा है मुझे। तो सबसे पहला काम मुझे ये दो चीजें लिखनी है जी, आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जब आपने ये दो चीज लिख ली तो आपको सामने से दिख गया कि के की वैल्यू लाने के लिए अल्फा एंड बीटा चाहिए। अब आपके पास अल्फा बीटा का एक ये रिलेशन पड़ा है, एक ये रिलेशन पड़ा है, क्या दोनों को यूज करके अल्फा बीटा निकल जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कर लिया है आपने चैप्टर, तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई अब आपके पास? तो निकाल दो अल्फा बीटा, दिक्कत कहाँ है क्वेश्चन में? दिक्कत सिर्फ इतनी है कि दिमाग के दरवाजे खिड़कियां ऐसे बंद करके बैठते हैं कि जो टीचर लिख देगा हम कॉपी में लिख लेंगे, जाके ऐसे करके उसको पढ़ लेंगे और पेपर में जाके उसको कर लेंगे। नहीं कर पाओगे, भूल जाओ। मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रही हूं, ऐसे तो तुम सोशल स्टडी का पेपर भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि इतना कुछ याद रखने को है। कोई एक फ्लो चार्ट तो बनाओगे, एक तरीका तो बनाओगे याद रखने का, तभी तो याद रख पाओगे और पेपर में जाकर के लिख के आओगे, वरना तो वो भी नहीं कर पाओगे। तो भोंदुओं की तरह बैठे मत रहा करो, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाला करो, जो भी समझ में आता है वो किया करो कॉपी के ऊपर, और नहीं समझ में आता तो उठ के पूछ लिया करो। करो जी, अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो फटाफट से, देखें जरा क्या वैल्यू आती है।
अल्फा इज इक्वल टू 8 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा 8 एंड बीटा -2, ये क्वेश्चन तो मेरी सेटिस्फाई हो रही है। 24 -4, ठीक है जी। अल्फा 8 बीटा -2, और मेरे से वैल्यू के की पूछी गई, सो विल बी द वैल्यू ऑफ के -16। -16। अगर अल्फा 8 आ गया, बीटा -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू -16 इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। अब ये क्वेश्चन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। इस इक्वेशन को चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 से। एलिमिनेशन का मेथड लगाएंगे, आसान है मेरे लिए। दूसरा, यहां से अल्फा का वैल्यू उठा करके इसमें डाल दो या बीटा की डाल दो, जो तुम्हें समझ में आता है, जो प्रोसेस में आप कॉन्फिडेंट हो, यूज दैट। यहां पर एलिमिनेशन का प्रोसेस काफी आसान है, क्योंकि यह सिंपल अल्फा बीटा पड़ा है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं या मैं 2 से कर दूं, दोनों में ही मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 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 ये कैंसल, माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, सो बीटा की वैल्यू -2। ये बीटा की वैल्यू यहां पर डाल दो, अल्फा -2 इज इक्वल टू 6, सो अल्फा विल बिकम, एट। अल्फा बीटा दोनों मिल गया। क्वेश्चन में के पूछा गया था, तो अल्फा है 8 और बीटा है -2, सो वैल्यू ऑफ के विल बी -16। ठीक है जी। सो थोड़ा सा स्टेप्स सोचना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ करके उसे कॉम्प्रिहेंड करना, समझना कि वो कह क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स को डिसाइड करना। ये किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में ये काम बड़ा जरूरी है। सब्जेक्ट भी छोड़ दो, आया गया है केन से, कोई भी सिचुएशन तुम्हारे पास आती है उसको हैंडल करने के लिए भी तो ऐसे ही चलते हो ना, तो किताब में क्वेश्चन देख के डर क्यों जाते हो, वो भी तो सिचुएशन ही है। चलो जी, जरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और मुझे बताओ, जिसको भी समझ में आ जाए। यहां मेरे पास अभी 6 सेक्शन बैठे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ोगे, जिसको समझ में आ जाए कि मुझे ये करना है, वो माइक के पास आके मुझे स्टेप बताएगा कि क्या करना है। गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट थिंक कि गलत हो गया तो क्या, क्या हो गया, कुछ भी, तुमने सोचा तो सही कम से कम। उनसे तो अच्छे हो जो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, यू आर बेटर देन दोज। एक बार गलत सोच लोगे, दो बार तीसरी बार ठीक ही सोचोगे, कोशिश तो करो। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और मुझे बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। जिसको भी समझ में आ गया है, कम नियर द माइक एंड टेल मी व्हाट क्वेश्चंस सेज एंड व्हाट इट डिमांड्स फ्रॉम यू। आपको एक रैशनल एक्सप्रेशन बनाना है, रैशनल एक्सप्रेशन इज सेम एज रैशनल नंबर्स, पी बाई क्यू की फॉर्म में जाना है मुझे। यस तो न्यूमरेटर की जीरोस -1 एंड 2 हैं, एंड डिनोमिनेटर मोनोमियल दे रखा है जिसकी जीरोस 3 हैं। मोनोमियल है तो एक ही जीरो है, और ऊपर 2 जीरोस हैं, इसका मतलब न्यूमरेटर आपका कैसा है, लीनियर, क्यूबिक के क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। न्यूमरेटर इज क्वाड्रेटिक एंड डिनोमिनेटर इज मोनोमियल, मींस लीनियर। नहीं, मोनोमियल का मतलब लीनियर तो नहीं, पर हाँ यहां पर जो सिचुएशन है उसमें हम कह सकते हैं कि मोनोमियल आपका लीनियर है। ऊपर 1 जीरो है, नीचे सॉरी ऊपर न्यूमरेटर की 2 जीरोज हैं, डिनोमिनेटर एक मोनोमियल है जिसका 0 3 है। तो न्यूमरेटर क्यों क्वाड्रेटिक और नीचे 3। अब आपने ये सोचना है अगला स्टेप क्या, क्वाड्रेटिक की जीरोस दे रखी हैं -1 एंड 2, और ऑप्शन को देख के आपको सामने से दिख रहा है कि ऊपर क्या क्वाड्रेटिक है वो फ्रेम करनी है आपको। तो क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर जीरोस पता हो तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाई जाती है। तो फिर देखें जरा क्या बनाते हो, -x x2 -x -, वेरी गुड, x2 -√ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एज सिंपल एज दैट। x2 -x -2, सो ये मेरा न्यूमरेटर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, -3।
एक मोनोमियल चाहिए जिसका जीरो तीन है, तो हमें पता है मोनोमियल एक्स तीन एक्स माइनस थ्री इज दैट। तो मुझे बताओ क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन को देख करके आप ऐसे बैठ जाते हो, बस आप कहते हो हमारा काम इसको देखते रहो, मैडम अपने आप चीखती चिल्लाती रहेगी, या जो टीचर आपकी क्लास में है वो अपने आप बोल बुला के कुछ ना कुछ बता के चले जाएगा, हम कॉपी में लिख लेंगे, भैया काम खत्म। भाई ऐसे काम खत्म नहीं होगा, पेपर में जाकर के फंस जाओगे। अभी आपके यूनिट टेस्ट होंगे तो पता चलेगा आपको कि पेपर में सीधा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, क्वेश्चन सोचना ही पड़ेगा तभी कर पाओगे, तो उसकी आदत डालो अपने आप को। ठीक है जी, Yes. असाइनमेंट ये वाली हो गई कंप्लीट। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है जी, नेक्स्ट मॉड्यूल को करने से पहले हम सिंपल एक चीज पहले कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। जैसे एक्सक्यूज हमने, हाँ बोलिए बेटा बोलिए। सेकंड असर्शन रीजन इज लेफ्ट। सेकेंड असर्शन रीजन इज लेफ्ट, वो बच्चे अभी मैंने कहा था छोड़ दो उसको, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक करके जब आप करेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के साथ रिलेट करना है, उसको अभी छोड़ दो आप, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सिर्फ रह गया है, दैट इज अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसकी तीन रूट्स, अल्फा बीटा एंड गामा, तो तीन रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज सी बाय ए, एंड अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए रिलेशंस याद किए, वैसे ही हमें क्यूबिक के लिए रिलेशंस याद करने। हाँ जी बेटा बोलो। दिस इज नॉट इन अ सिलेबस। आई नो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। अब मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, 10वीं क्लास में आकर के अपने आप को ऐसे मत लिमिट करो। ठीक है, अगर दो क्वेश्चन हम उस चीज पर जो एनसीईआरटी में दिया है जिसके नीचे सिर्फ लिख दिया गया नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि अगर इतना ही अनइम्पोर्टेंट होता तो देते ही क्यों, एक पेज क्यों उन्होंने अपना खराब किया, कुछ तो मतलब होगा देने का। वो इसमें से एटलीस्ट आपको इतना चाहते हैं कि आप इतनी नॉलेज रखो, क्योंकि अगर अगली क्लास में आप में से कोई मेडिकल नॉन मेडिकल लेने वाला बच्चा है, एनीबडी हु इज थिंकिंग ऑफ टेकिंग मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, तो Yes. ये चीजें बच्चों वहां यूज होती हैं। अगर इतनी ही अनइम्पोर्टेंट होती, इतनी ही बेकार होती, तो वो एक पेज खराब नहीं करते, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक Yes. है, तो रिलेशंस लिखो, और हम क्वेश्चन भी करेंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे आगे आपके, तो इनको लिख लो फटाफट से, और कुछ मुश्किल नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज कोफिशिएंट, सॉरी एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड दिस इज माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। रिमेंबर इट, माइनस प्लस माइनस, एक एक नीचे टर्म पर चलते जाओ, माइनस बी बाय ए, सी बाय ए, माइनस डी बाय ए। माइनस साइन से शुरू करते हैं, माइनस प्लस माइनस, डिनोमिनेटर में सब में हाईएस्ट पावर मतलब एक्स क्यूब का कॉफिशियंट आ रहा है, न्यूमरेटर में क्यूबिक से जब सम ऑफ रूट्स करते हो तो न्यूमरेटर में यहां पर तीन तो ऊपर स्क्वायर का कॉफिशियंट, जब सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम का प्रोडक्ट लेकर के उनका सम कर रहे हो तो एक्स का कॉफिशियंट अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर रहे हो तो माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। सिर्फ ये तीन रिलेशन हमें याद रखने हैं, एंड
क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये आप लोगों ने 9th में किया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किया था क्यूबिक को लॉन्ग डिविजन मेथड, पहला ही 10 ट्रायल से और बाकी कैसे निकालते हैं, किया था कि नहीं? ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको आगे जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे बहुत 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 काम आने वाला है इन डिफरेंट टॉपिक्स। वहां पॉलिनोमियल का टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज बहुत जगह आपको यूज करनी पड़ेगी। जितनी भी तुम 10th तक, एक बात और मान सुन लो मेरी आज, जितना मैथ्स तुम 6 to 10th पढ़ के जा रहे हो, इसकी हर एक चीज किसी ना किसी वे में आपकी अगली क्लासेस में यूज होने वाली है। ये पढ़ करके, पेपर दे करके, किताबें ऐसे फेंक करके इससे छुटकारा होगा नहीं। अगर आपको फर्दर स्टडीज करो, और मैथ्स तो एक ऐसी चीज है बच्चों जिसमें 10th तक के मैथ्स से तो किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। आप कोई सा मर्जी कंपटीशन उठा लो, चाहे आप क्लरिकल लेवल का कंपटीशन दे दो और चाहे आप ऑफिसर लेवल का कंपटीशन दे दो, 10वीं तक का मैथ्स आपको हर हाल में कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा, रियल लाइफ में भी और पेपर्स को क्रैक करने के लिए भी। आगे आपने मैथ्स पढ़ना है नहीं पढ़ना सेकेंडरी बात है, लेकिन जितना कुछ अभी तक पढ़ रहे हो इससे छूट मिलनी ही नहीं है आपको लाइफ में, इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग। नहीं कुछ करना फिर तो ठीक है, फिर तो छुटकारा है ही है, फिर तो 33 नंबर लाओ, कापियां किताबें रखो और आश करो। ठीक है जी, चलिए जी, तो ये इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं सेकेंड मॉड्यूल के फर्स्ट क्वेश्चन पर, लेट अस सी क्या समझते क्या हो क्वेश्चन से, फर्स्ट एमसीक्यू। क्या बात समझ में आती है? एक ही कॉन्सेप्ट को अब आप ये देखो कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ये बात है सिर्फ क्वेश्चंस को करने में। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट 15 इज द जीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 16x+30, और मुझे कहा गया इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं ताकि 15 इसकी जीरो हो जाए। अब सबसे पहले अगर पता है आपको कि 15 इसकी जीरो बनानी है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? व्हेन विल आई से 15 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? कब कहूंगी कि 15 इसका जीरो है? जब पी ऑफ 15 क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो इतनी ही बात मुझे मालूम है, तो मैं क्या करूं यहां पर एक्स को 15 डाल के देखूं क्या हो रहा है, लेट अस सी। क्योंकि मुझे इतना ही पता है, इसके आगे मुझे इसके बारे में पता कुछ नहीं है। अगर 15 को किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो बनना है, तो पॉलिनोमियल में एक्स की जगह 15 डालने से मेरा आंसर जीरो बनना चाहिए। लेट अस सी, इज इट व्हाट व्हाट आई विल गेट व्हेन आई विल पुट एक्स एज 15 इनटू इट। डालो जरा 15 और देखो क्या बनाते हैं। हाँ जी, डाला 15, 15 का स्क्वायर 225, 15 × 16 कितना बन रहा है? 250+30, तो पी ऑफ 15 कितना आ गया? 255, 16 × 15 गलत किया क्या मैंने? 240 240, तो ये आ गया 225+30, 255 − 240, मेरे पास क्या बच रहा है? 15। बचना क्या चाहिए था? क्या बचना चाहिए था? जीरो जीरो। इसका मतलब मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि जब मैं 15 डालूं तो यहां जीरो पे आ जाऊं? 15। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से 15 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एक्सप्रेशन बना
ये, और जब आप इस एक्सप्रेशन में एक्स को 15 डालेंगे तो ये बना 225 माइनस 240 प्लस 15 विच विल बी 0। तो हमने कोई नई बात तो नहीं कही, हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो पे चले थे। कोई भी नंबर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कब बनता है? जब वो वैल्यू पॉलिनोमियल में डालें और आंसर जीरो हो जाए। जब मैंने इसमें 15 को डाला तो आंसर जीरो नहीं हुआ, 15 बच गया। इसका मतलब इसमें से 15 निकाल दूं तो आंसर जीरो हो जाएगा। सो माय आंसर इन दिस केस इज 15, दैट इज सी ऑप्शन। समझ में आई है बात बच्चों की नहीं, ये बताओ मुझे। चलो फिर अगला क्वेश्चन भी सेम लाइंस पर है। हाँ मैम जी बोलो बेटा। 13 ऐड करना हमने उसमें दो ऊपर 30, देखो बेटा मेरे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 15 बच रहा है। ठीक है जी, अगर मैं इसमें से, आप कह रहे हो 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं, लो जी अगर मैं इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16x। इसमें जब आप एक्स को 15 डालेंगे तो ये 225 और ये 240, क्या आंसर जीरो हुआ? नहीं हुआ ना। जो रिमाइंडर मेरे पास बच गया है वो नहीं बचना चाहिए था, मतलब मेरा एक्सप्रेशन जो रिमाइंडर बचा उतने से लेस होता तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। समझ में आया ये बात कि नहीं बच्चों? Yes. जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ या अभी डाउट है कुछ? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। एक्स प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड ए प्लस बी इज 4, देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी आपको बतानी है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b, ये एक पॉलिनोमियल दिया है मुझे और इसके साथ साथ दे दिया गया एक्स प्लस 2 इसका फैक्टर है। मतलब जब आपको पॉलिनोमियल का फैक्टर पता हो तो क्या उसे जीरो पता चल जाती है? तो बताओ जरा, अगर एक्स प्लस 2 फैक्टर है तो जीरो क्या है? -2. अगर माइनस 2 जीरो है तो p ऑफ माइनस 2 क्या बनना चाहिए? जीरो बनना चाहिए। डालो इसमें एक्स को माइनस 2, एक रिलेशन मिल जाएगा। वो रिलेशन पढ़ा है और एक क्वेश्चन में दे दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। देखो जरा क्या ए और बी की वैल्यू निकाल पाओगे? हाँ शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी करो और बताओ। एक्स को जब माइनस 2 डाला ये बन गया 4 माइनस 2a प्लस 2b एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। 4 इज इक्वल टू 2a माइनस 2b, दो सब में से बाहर कर देते हैं, एक ये पड़ा है और दूसरा a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये तो बड़ा ही आसान काम कर, 6 इज इक्वल टू 2a तो a की वैल्यू आ गई 3। अगर a 3 आ गया तो b कितना आ जाएगा? हाँ तो आप देख रहे हो इन दोनों क्वेश्चन कि हमने सिर्फ जीरो वाले को थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछ लिया, बस कॉन्सेप्ट वही रहा, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने के तरीके डिफरेंट करते गए। आपको सिर्फ दिमाग में एक ही बात रखनी थी कि अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उसको डालने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, बस आपके लिए इतना ही काम था। अब क्वेश्चन को जैसे मर्जी घुमाते जाए, तुमने तो एक ही बात लगानी है, पर ये बात पहले समझ तो आए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। लो जी ये तो और भी आसान है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और सारी चीजों की वैल्यू उठा के डालनी है, मतलब सिर्फ जो फॉर्मूले अभी बताए वो याद होने चाहिए, बाकी कुछ करना है नहीं है क्वेश्चन के अंदर। लो जी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, आपसे पूछा गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ, प्लस अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू बताओ। -2 माइनस 2 इज द आंसर। ओके लेट अस सी, मेरे को यहां पर पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता था माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा गामा अल्फा दिस इज सी बाय ए एंड अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए। अरे
इसमें से देखूं तो ए वन, बी माइनस वन, सी माइनस टेन और डी माइनस आठ। बस जी सब कुछ पड़ा है, डालते जाओ और आंसर निकाल दो। ये वैल्यू है सी बाय ए और ये है माइनस डी बाय ए। सिंपल वैल्यू जा लिया मैंने और कुछ नहीं किया। इसका कंपैरिजन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करके पहले ए बी सी डी की वैल्यूज लिख ली। ये फॉर्मूले मुझे मालूम ही हैं। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, माइनस माइनस प्लस आठ, तो आंसर इन दिस केस इज माइनस। नेक्स्ट देखो जी। इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर रूट टू एंड माइनस रूट टू, देन थर्ड जीरो इज। अब एक तो आपके दिमाग में आ सकता है कि टेन ट्रायल से निकालें फिर क्यों करें, बट ध्यान से दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना, ज्यादा नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। इन रिलेशंस को सोचो, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, रिलेशंस यही है मेरे पास, क्यूबिक है एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर्टीन। अब दो जीरोस दे दी मैं, लेटर से उसको अल्फा और बीटा ले लेती हूँ, और मेरे को कहा गया गामा की वैल्यू बताओ। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कौन सा रिलेशन मैं यूज करूं ताकि मुझे सामने से गामा की वैल्यू मिले? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी ओवर ए। ये देखो जी, सामने से आपके पास ये दो वैल्यू पड़ी हैं, तीसरी निकालनी है ये पता ही है, तो बस काम हो गया। इससे जब मैं कंपैरिजन कर रही हूं, ए वन, बी सात, सी माइनस दो और डी माइनस चौदह। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, सारा कुछ पड़ा है, कुछ करना है ही नहीं है मुझे। ये गामा निकालना था, ये ऐसे का ऐसे रखेंगे, बाकी सब कुछ पड़ा है, तो थर्ड रूट माइनस सेवन आ गई। हाँ जी बच्चों, जिसको ये समझ में नहीं आया है वो बता दो जरा जल्दी से। हमने सिंपली क्या किया, मैंने ये फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए का यूज किया है, मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ गामा नहीं पता था, बाकी सारी वैल्यूज मुझे पता है। सिर्फ वैल्यू डाली है और आंसर कैलकुलेट कर दिया, और कुछ किया नहीं है मैंने। इज इट ओके? चलिए फटाफट से जरा सेशन रीजन पर चलते हैं। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट। द पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस। इज इट ओके? करेक्ट और नॉट? एक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे काट रहा है और वाई एक्सिस को 1 पॉइंट पर काट रहा है, क्या उस पॉलिनोमियल की 3 जीरोस होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटता है उतनी जीरोस होती हैं, वाई से कट कर रहा है उससे हमें कोई जीरोस में उसका कोई लेना देना नहीं है मुझे। इसका मतलब पहले वाले का असर्शन तो है ट्रू। अब रीजन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस दैट अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कैन हैव इज द नंबर ऑफ टाइम्स पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस। False. यहां पर होना चाहिए था नंबर ऑफ टाइम्स इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो आपके पास असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स हो गया, तो आंसर क्या बनेगा? सी इज द आंसर। जल्दी से अगला असर्शन रीजन पढ़ो। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट।
ट्रू, लीनियर पॉलिनोमियल कुछ भी ले लो आप, से 2x+5 लीनियर पॉलिनोमियल है। एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कहां पर होगी? जहां पर वाई, मतलब इसको जीरो करना है तो -5/2। अदर वे अराउंड आप समझ सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 1 0, 1 0 मीन्स वन इंटरसेक्शन ओनली, वन इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो यहां पर भी असर्शन तो है मेरा ट्रू। अब चलते हैं रीजन पर। रीजन क्या है? फॉर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द मोस्ट एट एन पॉइंट्स। ट्रू, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तभी हमने कहा लीनियर है, तो जो इसकी डिग्री है उतने ही पॉइंट्स पर एट द मोस्ट ये इंटरसेक्ट कर सकता है। सो आंसर फॉर दिस इज ए। अगला बताओ जी। जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²-4x-5। बताओ जी, क्या 5 और -1 इसकी जीरोज हैं? Yes. तो इसका मतलब असर्शन हो गया ट्रू। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है मुझे, x²-5x+x-5, ऐसे ब्रेक करूंगी मैं। x(x-5) + 1(x-5), x+1 एंड x-5। सो x की दो पॉसिबल वैल्यूज 5 एंड -1, सो असर्शन इज ट्रू। अब रीजन देख लो, पॉलिनोमियल बनाना है हुज जीरोज आर 2+√3 एंड 2-√3। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है मुझे? पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? x²-SRx+PRR। सम ऑफ रूट्स का मतलब इन दोनों को ऐड कर दूं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। +4x ना -4x, और इनको मल्टीप्लाई करोगे a+b into a-b, a²-b²-3 1, और यहां दे रखा है 7। इसका मतलब असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन और तो सी आंसर बन गया हमारा। ठीक है जी, यस अगला केस स्टडी में आपको दिया है, श्रेया हु इज अ सोशल वर्कर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क ग्लव्स दिस एंड दैट। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे पास नंबर ऑफ मास्क, नंबर ऑफ ग्लव्स एंड सैनिटाइजर बॉटल्स। अब आपसे सबसे पहले अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछी जा रही है, और पॉलिनोमियल आपको दिया है x³-6x²+11x-6। मतलब इसको फैक्टराइज करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। कुछ याद है कैसे होती थी? यस सबसे पहले हिटन ट्रायल से, हिटन यस ट्रायल में 1 से शुरुआत करते हैं, 1-6+11-6, 11 और 1 12-12 0। मतलब x-1 इसका फैक्टर डिवाइड, जो क्वाड्रेटिक आ जाए उसके फिर से फैक्टर्स, यही करते थे, याद है सभी को? यस तो इसको आप कंप्लीट करेंगे, आप अगर देखेंगे तो वैल्यूज आपकी 1, 2 एंड 3 आ रही हैं। अब जल्दी से जरा, पहला क्वेश्चन हो गया फाइंड द वैल्यूज अल्फा बीटा एंड गामा 1, 2, 3, सो करके देखना, नहीं होगा तो अगली क्लास में हम ये लॉन्ग डिविजन मेथड करके विल सॉल्व इट। अगला बताओ जी, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। बोलिए जी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मतलब मैं ये वैल्यू पूछ रही हूं आपसे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट ए टाइम। हाँ इलेवन जी, इलेवन 11। यहां पर अब a 1 है, b-6 है, c 11 है और d-6, और इसका फॉर्मूला क्या था? P by A, so answer will be 11/1। फिर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मींस क्या पूछा गया है? अल्फा बीटा गामा। सिक्स
सिक्स इसका फॉर्मूला था माइनस डी बाय ए माइनस ऑफ माइनस सिक्स बाय वन. सो आंसर फॉर अल्फा बीटा गामा इज. चौथे सिक्स क्वेश्चन में क्या करना है? हाँ जी, चौथे क्वेश्चन में क्या करना है? एक्स की वैल्यू 4 डाल देनी है यहाँ पर, क्योंकि मुझसे पूछा गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4. तो आपसे सिंपल एक्स को 4 डाल करके आंसर निकालने को कहा जा रहा है. ठीक है जी. और लास्ट पार्ट में जैसे जीरोज पता होने पर हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ऐसे ही जीरोस पता होने पर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं. क्वाड्रेटिक भी बनाते हैं, क्यूबिक भी बना सकते हैं. एक बार फॉर्मूला लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इनटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये पॉलिनोमियल है. ये फॉर्मूला सिर्फ एक नोट कर लो यहां पर क्यूब. एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, बस वैल्यू डाल करके आप आंसर निकाल लेंगे अपना. ठीक है जी. तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से एक बार, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी में हमने किया क्योंकि टाइम हो गया आपका, सारे क्वेश्चन एक बार घर पे ट्राई करेंगे. अगली क्लास में मैं पहले इसमें से पूछूंगी, जो क्वेश्चन नहीं हुआ होगा वो करेंगे, और फिर ये जो एक केस स्टडी रह गई है दैट विल. ठीक है बच्चों. ओके Yes. जी, थैंक यू. ओके, बाय बाय.